उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आयोजन गुरुवार 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक किया जाना तय किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बयान देते हुए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने बताया कि 22 फरवरी से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और 12 दिनों में ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या से निपटने के लिए परीक्षार्थियों की शिकायतों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। परीक्षा के दौरान केंद्रों और वहां हो रहे परीक्षाओं पर निगरानी के लिए 5 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। ये परीक्षा का स्तर इतना अच्छा रहा कि इस बार विभाग प्रयासरत है कि उससे भी अच्छी तरह परीक्षाएं कराएं। एक हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति आपको दी है, उसमें से कुछ मेन जो बिंदु हैं आपके सामने फिर से हम रखना चाहेंगे। 8,265 परीक्षा केंद्र हैं, 22 फरवरी यानी कल से शुरू होंगी ये और 12 कार्य दिवसों में हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। 9 मार्च तक ये चलेंगी। हाई स्कूल के कुल 29,47,311 परीक्षार्थी होंगे और उसी तरह इंटरमीडिएट में 25,77,997। जो आपने देखा होगा, एक थर्ड पैरा में हम लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2017 तक जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो शामिल होते थे वो संख्या 3,53,000 की थी, जबकि इस वर्ष 1,64,000 की है। तो ये इन वर्षों में जो सख्ती हुई है उसका परिणाम है। जो बाहर के प्रदेशों से आकर के यहाँ बच्चे परीक्षा देते थे 2017 में उनकी संख्या 1,50,000 थी, जबकि इस बार 4,900 रह गई है।